लेकिन आमिरान तो कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से मैं जल्दी जल्दी एक बात बताऊंगी कि अभी जो एक स्कैम चल रहा है बहुत बुरा। अभी मैं जब सो के उठी थी 1 घंटा पहले, तो मुझे एक मैसेज रिसीव होता है, उसमें ये बोलते हैं कि आपको जो है हमने पेमेंट ट्रांसफ़र किया, जो कि इनका मैसेज भी आता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, मैसेज रिसीव होता है कि आपके अकाउंट में जो है वो पेमेंट इंक्रीज़ हुई, इस तरह समथिंग कुछ मैसेज आया परवीन ताहिरा के नाम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पैसे आपके पास गलती से आ गए, तो आप प्लीज़ हमें सेंड कर दें। और मैं स्टूडेंट हूँ, हम गांव के हैं ये। मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, मुझे इजी पैसा अकाउंट नंबर सेंड कर दो, मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि मैम हमारे पास तो कोई टच मोबाइल तो नहीं, हम गाँव के लोग हैं, लोगों के पास छोटे से मोबाइल है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ना उन्होंने बोला कि मैं आपको नंबर बताती जाती हूँ, आप डायल करते जाएँ 786 समथिंग, तो फिर आपके ना वो जैसे ऑप्शन आता है मनी ट्रांसफ़र इजी पैसा समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि यार मेरे अकाउंट में भी पैसे पड़े हुए थे, ऐसा ना हो कि मैं इनको सेंड कर दूँ फिर मेरे पैसे भी चले जाएँ। तो मैंने ना क्या किया, अपने अकाउंट के जो पेमेंट थी वो मैंने दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दी। और फिर जो है मैंने इनकी कॉल, इतनी कॉल्स इनकी, इतनी कॉल्स पर इनके ना अबू भी बात करते हैं। ये लोग ऐसी गेम बनाते हैं कि इनमें ना इनके अबू बने होते हैं। वो जो लड़का बात कर रहा था वो बेसिकली लड़का था, लेकिन उन्होंने लड़की का टोन चेंज करके बात किया था, तो इतना तो खैर पता चलता है। लेकिन जो काफ़ी इनोसेंट लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद फिर ये होगा, इनके अबू ने बोला बेटा हम लोग गाँव के हैं, मेरी बेटी के फीस के पेमेंट आपने, मतलब ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको बहुत दुख होगा, जैसे मुझे हो रहा था। उसके बाद फिर जो है मैंने वैसे ट्रांसफ़र करके फिर ना मेरा अकाउंट खाली हो गया। लेकिन मैं बार बार देख रही हूँ यार मेरे जो नंबर पे जो मैसेज आया उस पर तो ये बता रहे कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपये आए, तो फिर मुझे शो क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा शायद नेटवर्क का इशू है, इसलिए शो नहीं हो रहे होंगे इजी पैसा पे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनकी कॉल रिसीव की, पेमेंट ट्रांसफ़र मैंने अपनी पहले कर दी। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा अभी मुझे पता है मैं करती हूँ। तो वही जैसे रिकॉर्डिंग चल रही होती है, अबू बात करते फिर लड़की बात करती, फिर लड़की बात करती फिर अबू बात करते हैं। फिर जो है ना मैंने वो पेमेंट उनको सेंड करने लगी, वो प्रोसेस मुझे बता रहे थे। इन द एंड जब प्रोसेस आया वहाँ पे ऑप्शन आया कि आप उनको पेमेंट भेजिए, मैंने जैसे 12,000 लिख के और डन किए, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो मैं शॉक्ड हो गई, तो मुझे लड़की बार बार बोल रही थी आपको क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने कहा ये आ रहा है ऑप्शन कि आपके अकाउंट में तो कहिए जुमे का दिन है, आपको नहीं सेंड करने। तो वो इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा हाँ यार दे आर रियली नीडी पीपल, और उनको इस तरह से हम लोग गलत हैं। तो ये आप तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर मतलब फिर वो उनके पास पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किए क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी तो आप ना करें, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलें कि हमारे पास तो पेमेंट है, आपके पास हमारी पेमेंट आई ये वो। तो प्लीज़ बी सेफ, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो लोग स्कीम कर रहे हैं आपके साथ, फेक कर रहे हैं। बच्चे आप लोग किसी के भी आपके घर में कॉल आए, मैं नंबर भी जो है ना मेंशन कर देती हूँ, किसी के भी आपके घर में कॉल आती है अगर वो आपको बोलते हैं हमारे पैसे आपके पास, हालांकि वो मैसेज भी आता है। मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी सफाई से, ये लोग चलाकी से कैसे काम कर रहे हैं कि आपको मैसेज भी रिसीव होगा और आपको लगेगा कि आपके अगर मेरे अकाउंट में 10,000 है तो उनका 12,000 आएंगे, तो पेमेंट मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ऑप्शन भी आता है। तो आप प्लीज़ बेवकूफ़ ना बनिएगा। ये अभी बिल्कुल रिसेंट अभी मेरे साथ हुआ, लेकिन शुक्र मैं बच गई हूँ, मेरे कोई पैसे उनके पास नहीं गए। अगर मैं बेवकूफ़ी करती उनको ट्रांसफ़र करती तो मेरे जो अकाउंट की अमाउंट थी वो उनके पास चली जाती। तो बी सेफ बी अलर्ट, फॉरवर्ड करें मैसेज मेरी भी, मेरे जो मैं जो अभी नीचे नंबर दूंगी आप देखिए। ये लोग हैं वो बहुत फ्रॉड करते हैं, बच्चे ये स्कीम करते हैं। अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट कुछ भी ना बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।